安天库里和亚和本滴答的红嘎和大黑不好ज्यादा भारतीय फिल्म चाइना में बहुत लोकप्रिय है। दंगल चाइना में बॉक्स ऑफिस भारत से भी ज्यादा है और सीक्रेट सुपरस्टार और फैटमैन बजरंगी भाईजान मैं तो हिंदी सीखने वाली जीनी लड़की हूँ। जीनी लोगों को असली भारत के बारे में जानकारी बताती हूँ। मैं चाइना के मीडिया में काम करती हूँ। हर साल भारत जाती थी और मैं हिंदी सुधार करने के लिए एक साल के लिए जेएनयू में हिंदी सीखी थी। आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा हमारे जैसे लोग हम एक दूसरे से संबंध यह बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। मेरा नाम मीरा, यह मेरा हिंदी नाम है और जीनी नाम चू जिन जिन, लेकिन आम ज्यादातर भारतीय लोग मेरा जीनी नाम याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए ज्यादातर मैं तो भारतीय दोस्तों को समझाते हैं कि मेरा हिंदी नाम मीरा है। क्या करती हैं आप, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, तो वास्तव में मैं चाइना के मीडिया में काम करती हूँ, चाइना मीडिया ग्रुप, और हमारे ग्रुप में कुल 80 अलग अलग भाषाओं से कार्यक्रम बनाते हैं। मैं तो हिंदी सेवा में काम करती हूँ, इसलिए मैं हिंदी में कार्यक्रम बनाती हूँ। आज हम लोग ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में आए हैं, तो सबसे पहले थोड़ा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में बताइए, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताइए। हाँ ठीक है, जो सभी विदेशी लोग जो चाइना में पहली बार चाइना में आए तो जरूर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी लंबी दीवार जाना चाहते हैं। और आज हमारे यहाँ मौजूद है, यह बीजिंग का एक हिस्सा है, क्योंकि लंबी दीवार न केवल बीजिंग में मिलते हैं, ये कुल मिलाकर लगभग 6000 से ज्यादा किलोमीटर दूर है। और बीजिंग में यहाँ इस जगह का नाम सिर्फ चुयुंग पास, ये लंबी दीवार का एक पास है सिर्फ। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ कितना लंबा है, लेकिन आज का मौसम इतना अच्छा नहीं है। अगर अच्छा मौसम में तो आप दूर दूर में साफ साफ से देख सकते हैं, एक बहुत शानदार जगह है, लेकिन बहुत थक लगते हैं शायद। और ऊपर में आप देख सकते हैं एक अलग अलग टावर है, ये तो प्राचीन समय में ये तो दुश्मन रोकने के लिए ये लंबी दीवार बनाई जाती है। और ये टावर पर एक होर है, तो आप हथियार इधर रख सकते हैं और ये दीवार ये दुश्मन के हथियार रोक कर सकते हैं और आप दुश्मन को मार कर सकते हैं। ये प्राचीन समय में ये फंक्शन है, लेकिन आज के मौसम में और आज ये सिर्फ एक पर्यटन साइट बन गया है। और इंडिया आप पहले कभी आई हैं? हाँ, मैं इससे पहले हर साल भारत जाती थी और मैं हिंदी सुधार करने के लिए एक साल के लिए जेएनयू में हिंदी सीखी थी। तो अभी लास्ट आप भारत कब गई थी? पिछले साल G20 से पहले। तो अब आप अगली कब प्लान कर रही हैं भारत आने? प्लान तो है, अगले साल जाऊंगी, क्योंकि अगले साल चीन और भारत के राजनयिक संबंध की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए मेरी योजना है कि चीन और भारत के संस्कृति के बारे में कुछ कार्यक्रम बनाना की योजना है, लेकिन देखते हैं मैं वीजा मिलूंगी या नहीं। मैं तो हिंदी सीखने वाली जीनी लड़की हूँ और चाइना में बहुत ज्यादा मेरी जैसी स्टूडेंट है, वे भारतीय संस्कृति से प्यार करते हैं, भारतीय संस्कृति बहुत पसंद है। और भारत में भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट युवा लोग चीनी भाषा भी सीख रहे हैं, चाइनीज संस्कृति भी रुचि है। इससे मुझे आशा है कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा हमारे जैसे लोग हम एक दूसरे से संबंध यह बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हम तो पड़ोसी देश है और हम दोनों एशिया के सबसे महादेश है, और पूरी दुनिया में अगर हम हाथ मिलाकर एक साथ सहयोग कर सकते हैं और जरूर पूरी दुनिया के लिए हमारे योगदान दे सकते हैं। हालांकि हमारे दोनों देशों के बीच कुछ ऐतिहासिक समस्या है, लेकिन आम लोगों के बीच कोई समस्या नहीं है। जैसे आप भी चाइना आ गए हैं, आप देख सकते हैं सभी चीनी लोग आपसे भी फ्रेंडली है। इससे पहले मैं सोचती हूँ ठीक ही भारतीय लोग शायद चीनी लोगों से नफरत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कई बार भारत गई थी, सभी भारतीय लोग मेरे लिए भी बहुत अच्छा मदद की थी और मेरे लिए बहुत फ्रेंडली है। इसलिए मेरे ख्याल से मीडिया के बीच बहुत ज्यादा गलत फहमियां हैं, इसलिए मैं भी अपनी कोशिश से ज्यादा भारतीय लोगों को असली चीन के बारे में जानकारी बताती हूं, और मुझे मेरी कोशिश से ज्यादा मेरे पास चीनी लोगों को असली भारत के बारे में जानकारी बताती हूं। वर्ष 2019 से पहले बहुत ज्यादा भारतीय फिल्म चाइना में बहुत लोकप्रिय है, जैसे दंगल चाइना में बॉक्स ऑफिस भारत से भी ज्यादा है, और सीक्रेट सुपरस्टार और फैटमैन बजरंगी भाईजान बहुत ज्यादा भारतीय फिल्म चाइना में बहुत लोकप्रिय है। और ये संगीत जैसे ये आंखें खुली ये चाइना में बहुत पॉपुलर है, चाहे बूढ़े लोग हो या युवा लोग, सब लोग सुनते हैं और बहुत पसंद है। थोड़ा गायब के सुनाएंगे हमें? आंखें खुली, आंखें खुली हो या हो बन दीदार हूंगा होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है।
और जैसे आमिर खान, शाहरुख खान बहुत चाइना में बहुत लोकप्रिय है, सब लोग जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।